नमस्कार इंडिया राज में आपका स्वागत है। बेकिंग बलिया बच्चों को सिखाएगा मंच पर बोलने का हुनर। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बापू भवन में सैकड़ों बच्चों ने एक दूसरे को सिखाया कि सबके सामने मंच पर कैसे बोलना जाता है और कहा कि आजकल के लोग अगर सबके सामने खड़ा होकर बोलने के लिए कोई नहीं है तो बोलना, इसलिए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं किसी बोलना कैसे बोलना चाहिए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अस्मिता है और मैं बलिया में कृष्णा नगर से बिलोंग करती हूँ। जी, आज कैसा कार्यक्रम है, आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुई है? ये हमारा इससे साझे यानी रेगुलेशन इससे साझे का कार्यक्रम हुआ है जिसमें बच्चे स्टडी करते हैं और स्टडी के साथ साथ फिर भी क्लासेस होता है, उन्हीं को ऐसा माहौल मतलब क्रिएट किया जाता है जिससे वो आगे बढ़ सके और उन्हें अपना जो एजुकेशन है उन्हें अपना कहीं भी रिप्रेजेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और कुछ सिखाया गया? और इस प्रोग्राम क्लासेस और कंप्यूटर एजुकेशन। बाकी समाज को हमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बाकी समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो और खासकर कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि आजकल हमारा जो दौर है वो कंप्यूटर से ही है। बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं बेजरली बिलोंग पटना से करता हूँ और यहाँ पे अभी मैं बलिया में पिछले एक महीने से हूँ और बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एजुकेशन के साथ लोगों को बच्चों को एजुकेशन। कैसा कार्यक्रम है आज बापू भवन में? आप कैसा कार्यक्रम है? ये एक एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है, एजुकेशन के साथ साथ हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का एक बेटा उठाए हुए हम लोग जिसमें कंप्यूटर क्लासेस इंग्लिश स्पोकन पी डी पी क्लासेस भी ऐड की जाती है। आज बापू भवन में क्या क्या सिखाया गया, कैसा कैसा कार्यक्रम हुआ? बापू भवन में आज जो बताया गया कि बच्चे स्टेज पे कैसे आकर के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, आज सैकड़ों की भीड़ में बच्चे आज बोल नहीं पाते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ था। बच्चों को बताया गया, सिखाया गया कि कैसे वो भी एक आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं, अपने अंदर से डर को दूर खत्म कर सकते हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी वो ले सकते हैं। कुमार, और मैं बिहार से हूँ, अभी बलिया में बहुत अच्छा सिस्टम चला रहा हूँ मैं और कंप्यूटर एजुकेशन इंग्लिश स्पोकन पी डी पी क्लासेस है जो बच्चों को ना आज के डेट में डर लगता है। कितनी जनसंख्या होगी? वही 100+ 100+ के बच्चे हमारे पास है। अतिथि के रूप में कौन आए थे? कोई नहीं, हम बच्चों को ही मतलब यहाँ पे स्टेज पे लाकर उसको बताने का मौका देते हैं, हेजिटेशन को दूर करवाते हैं क्योंकि आज के डेट में बच्चा बोल नहीं पाता है 10 लोगों के सामने 100 लोगों के सामने, तो उस चीज़ को दूर करवा जाते हैं। आप लगे पी डी पी क्लासेस यहाँ चलती है। और क्या आपने सिखाया? बहुत सारे मतलब कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है 1000 लोगों के सामने 100 लोगों के सामने। और क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में नहीं बोल पाते हैं? हाँ, तो उनको कैसे सिखाते हैं आप? कितनी मेहनत लगती है आपको? नहीं महीने तो जैसे महीने नहीं, कितनी मेहनत लगती है आपको? मेहनत लगती है कि आज के डेट में बच्चा नहीं बोल पाता है उसको मतलब कि स्टेज पर ला के उसको अपने सेल्फ डिपेंड के बारे में बताया, मतलब कि उसको अपने बारे में बताने का मौका मिलता है कि अपने बारे में कम से कम इनफैक्ट बोल पाए।